उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में आज उस समय प्रशासन की बद इंतजामी सामने आई जब समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची अंबाला मंडल की कमिश्नर रेणु फुलिया। जैसे ही ध्वज फहराने लगी तो तिरंगा नहीं खुला, जिसके बाद मशक्कत कर तिरंगे के एक बार नीचे उतारने के बाद फहराया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा परेड की सलामी ली गई। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर मंच से अपने संबोधन में मुख्य अतिथि रेणु फुलिया ने कहा कि देश को गणतंत्र सभा में सभी सदस्यों को नमन करते हुए कि देश को स्वतंत्र बनाने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह सरीखे अनेक महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आज़ादी दिलाई है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा के अनेक शहीदों ने भी अपना योगदान दिया है और आज भी देश की सेनाओं में हरियाणा के अनेक सैनिक अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करती हूं। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ उनकी जांबाज जवानों को भी सलाम करती हूँ, जिन्होंने आज़ादी के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी बहुत अहम योगदान है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है आज भारतीय सेना का हर दसवां जवान हरियाणा से है। आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आज़ादी के बाद हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं और अपने सपनों का भारत बनाने की दिशा में कहां तक सफलता हासिल की है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आज़ादी मिली, तो वहीं दिन रात मुस्तैदी से हमें देश की सीमाओं की निगेबानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी यह आज़ादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है।